दोस्तों टीम इंडिया को जीत के लिए आखिर के ओवर में चाहिए थे 24 रन, फिर आया दिनेश कार्तिक का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला कुछ ही दिनों में खेला जाने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दोनों टीम्स के बीच में एक बेहतरीन वार्म अप मैच खेला गया। और दोस्तों इस वार्म अप मैच में दोनों ही टीम्स के बीच में एक कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहाँ पर दोस्तों इससे पहले ही T20 मुकाबले में भारत को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे। और दोस्तों स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक, फिर कैसे दिनेश कार्तिक ने सभी को धोनी की याद दिलाई और क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मैच की पूरी हाइलाइट्स आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन फिनिशर मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि धोनी और दिनेश कार्तिक में से कौन सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं। दोस्तों जहां इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एरन फिंच और डेविड वार्नर मैदान पर उतरे, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी बेहतरीन मिली, जहां पर पहले ही ओवर में एरन फिंच के बल्ले से एक के बाद एक लगातार चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में भी फिंच के बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला और दोस्तों खास तौर पर पावर प्ले में एरन फिंच काफ़ी घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों छठे ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एरन फिंच को 28 रन के स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया और दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही छक्के के साथ में अपना खाता खोला और 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर है वो 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना था। वहीं पर दोस्तों अगले ही ओवर में डेविड वार्नर ने पावर प्ले के बाद अपना मूड बदला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी। दूसरी तरफ मैक्सवेल भी काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 10वें ओवर में मैक्सवेल ने चहल को रिवर्स शॉट में काफ़ी लंबा छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों उसके बाद ही अगली गेंद पर एक और रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में मैक्सवेल क्लीन बोल्ड हो गए और चहल ने ये वाली बॉल गूगली डाली थी जो कि अंदर आई थी और मैक्सवेल जो है वो 25 रन के निजी स्कोर के चलते आउट हो गए। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ डेविड वार्नर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 14वें ओवर में डेविड वार्नर ने 38 गेंदों में अपना अच्छा शतक पूरा किया और उसके बाद वार्नर ने पूरा दमखम लगाकर बल्लेबाजी स्टार्ट की, जहाँ पर दोस्तों पारी के 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को उन्होंने 14 रन मारे, लेकिन दोस्तों उसके बाद 16वें ओवर में एक बार फिर से यूजी चहल डालने आए और ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने डेविड वार्नर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। और दोस्तों इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 120/3 था। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस थे, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मार्कस स्टोइनिस के ताबड़तोड़ 35 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए और 172 रनों का टारगेट जो है वो भारत के सामने रखा। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करने आए और दोस्तों इस बार रोहित शर्मा धीरे खेल रहे थे और केएल राहुल जो है वो ताबड़तोड़ रुख अपनाया हुआ था। केएल राहुल ने पहले ही ओवर में 3 चौके लगा दिए और इसके बाद वो यहीं नहीं रुके। एक तरफ रोहित केएल राहुल को ज़्यादा स्ट्राइक पर ला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ केएल भी पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे थे। केएल राहुल ने पावर प्ले खत्म होने तक 15 गेंदों में 25 रन बना डाले और वहीं पर रोहित ने 20 गेंदों में 22 रन बनाए। दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल का स्ट्राइक रेट रोहित से ज़्यादा था और भारत ने पावर प्ले में 47 रन बनाए, लेकिन दोस्तों जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो रोहित शर्मा ने अपना मूड बदला और 7वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को लगातार 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन दोस्तों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के चक्कर में रोहित शर्मा 35 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाकर वापस चल दिए और पारी के 10वें ओवर में केएल राहुल भी 45 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने 10 ओवर खत्म होने तक 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे और दोस्तों क्रीज पर थे सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली ने धीमी शुरुआत की, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों जॉश हेजलवुड ने स्काई को जल्दी ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ विराट कोहली उसी ओवर में हेजलवुड को 85 मीटर का मिड विकेट पर छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों भारत की पारी लड़खड़ा गई और विराट कोहली भी मार्कस स्टोइनिस का शिकार बन गए और 18 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों अब मैदान पर थे हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक। दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर तक 115 रन था और अभी भी आखिरी के ओवर में 5 ओवर में
57 रन की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों टीम मुश्किल में जब आ गई जब हार्दिक पांड्या भी एस्टेनेगर का शिकार बन गए और भारतीय टीम मुश्किल में आ गई जब पांड्या 17 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों दिनेश कार्तिक ने इस मैच को आखिर के ओवर तक खींचा और उसके बाद लास्ट के ओवर में टीम को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। दोस्तों यहां पर इस आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी के परखच्चे उड़ा डाले यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने, जहाँ पर दोस्तों पहले दो गेंदों पर कार्तिक के बल्ले से दो छक्के निकले और अब टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों फिर तीसरी गेंद पर कार्तिक ने 2 रन लिए और अभी भी टीम को 3 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। चौथी रन पर कार्तिक ने एक छक्का जड़ दिया और दोस्तों अब भारत को जीत के लिए 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी। और फिर मैच काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मूड पर आ गया जहाँ पर पाँचवीं गेंद जो है वो थर्ड मैन पर चौका मारने के चक्कर में वो गेंद डॉट निकल गई। अब एक गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे और दोस्तों दिनेश कार्तिक ने वो चौका आखिरी गेंद पर लगा दिया और भारत को शानदार जीत दिलाई। और दोस्तों दिनेश कार्तिक के शानदार 48 रन की बदौलत ये मुकाबला 4 विकेट से भारत ने अपने नाम किया। अब दोस्तों इस बेहतरीन फिनिश को देखते हुए क्या आप टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा को दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में मौका देने के लिए फोर्स करना चाहेंगे या फिर नहीं, इस पर अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।